डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एंटीनी के बारे में बताऊंगी। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एंटीना के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में बताया था। आज हम इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। Types of antennae. Because of antennae serve different functions, their forms vary greatly. In all, there are about 13 different antennae shapes, and the forms of an insect's antennae may be an important key to its identification. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि antennae कई प्रकार के कार्य करते हैं। इन कार्य डिफरेंट प्रकार के कार्य करने के कारण उनकी आकृति में भी काफी अधिक असमानताएं आती हैं। काफी डिफरेंट फॉर्म्स में एंटीनी मिलते हैं। लगभग 13 डिफरेंट प्रकार के एंटीनी विभिन्न इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं और इस कारण एंटीनी जो है वो इंसेक्ट के आइडेंटिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट की के रूप में काम करते हैं। सबसे पहली फॉर्म है फिलीफॉर्म। दिस इज द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ एंटीनी, लॉन्ग थिन एंड मेड ऑफ इक्वली साइज्ड एंड शेप्ड सेगमेंट्स। जैसा कि हम नीचे डायग्राम में देख रहे हैं, ये एंटीनी जो है वो लंबे, पतले तथा एक समान साइज के और आकृति के सेगमेंट्स के बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल, कॉकरोचेस, क्रिकेट्स एंड ग्रास होपर्स, लॉन्ग हॉर्न बीटल्स, बग्स, इन सब में फिलीफॉर्म एंटीनी पाए जाते हैं। सेकेंड टाइप है स्टाइलेट। सिमिलर टू फिलीफॉर्म एंटीनी बट दी टर्मिनल सेगमेंट्स आर पॉइंटेड एंड सिलेंडर लुकिंग लाइक ए स्टाइल। दीज स्टाइल कैन इधर हैव ब्रिस्टल्स और नॉट। स्टाइलेट टाइप के एंटीनी फिलीफॉर्म एंटीनी जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके शीर्ष सेगमेंट्स, टर्मिनल सेगमेंट्स जो हैं वो पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, सिलेंडर पतले होते हैं तथा स्टाइल की तरह दिखाई देते हैं। ये जो स्टाइल है वो इसमें या तो ब्रिस्टल हो सकता है, यानी कि नुकीले बाल जैसी संरचना हो सकती है या नहीं हो सकती। उदाहरण, डिप्टेरा की ब्रैकिसिरस फ्लाइज। नीचे हम इस एंटीने के डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, टर्मिनल जो सेगमेंट्स हैं वो पॉइंटेड है, सिलेंडर है, इस तरह से एक स्टाइल की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टाइप है सिटेशियस। दीज एंटीनी आर ब्रिस्टल शेप्ड, बीइंग थिनर एंड लॉन्गर इन देयर एंड्स। दे आर क्वाइट सिमिलर टू फिलीफॉर्म एंटीनी बट थिनर। ये एंटीनी भी फिलीफॉर्म एंटीनी की तरह ही होते हैं, लेकिन ये बहुत अधिक पतले, लंबे, ब्रिस्टल की आकृति के होते हैं। एकदम नुकीले, पतले, महीन एंटीनी होते हैं। एग्जाम्पल, मे फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज। नीचे देखिए डायग्राम में, एकदम पतले ब्रिस्टल शेप्ड एंटीनी दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें सिटेशियस टाइप एंटीनी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है सिरेट। ईच सेगमेंट इज ट्रायंगल्ड और नॉच्ड ऑन वन साइड, दस मेकिंग दीज एंटीनी टू लुक लाइक सांस। नीचे हम देख रहे हैं डायग्राम में, इस प्रकार के एंटीनी में जो सेगमेंट्स होते हैं वो एक तरफ से, एक साइड से नॉज्ड होते हैं,
इस तरह से बाहर की तरफ थोड़े से हमको ये इनके इनका एक पार्ट एक तरफ निकला हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कारण से ये एंटीनी आरी की तरह दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल सम बीटल्स। नेक्स्ट टाइप प्लूमोस। प्लूमोस एंटीनी लुक लाइक फेदर्स एज देयर सेगमेंट्स हैव न्यूमरस थिन ब्रांचेस। हैविंग ए बिगर एंटीनल सरफेस अलाउज देम टू डिटेक्ट मोर सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स लाइक फेरोमोन्स। इस प्रकार के एंटीनी में इनके सेगमेंट्स से कई थिन ब्रांचेस निकली रहती हैं, जिसके कारण से ये एंटीनी फैदर या परों की तरह दिखाई देते हैं। देखिए नीचे के डायग्राम में, नीचे जो डायग्राम हमको दिख रहा है वहां पर हरेक सेगमेंट से ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, कई सारी थिन ब्रांचेस हैं। इसके कारण से एंटीना की शेप फेदर की तरह हो गई है। इसके कारण इनके एंटीना की जो सरफेस है वो बड़ी हो जाती है और ये आसपास जो सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मॉस्किटोज एंड मॉथ मेल्स। नेक्स्ट टाइप पेक्टिनेट। सेगमेंट्स हैव ए लेटरल प्रोजेक्शन सो दे लुक लाइक कॉन्स। इस तरह के एंटीनी में डिफरेंट जो इनके सेगमेंट्स होते हैं इनके लेटरल साइड से लंबे प्रोजेक्शंस या प्रवर्ध निकले रहते हैं। इसके कारण से एंटीना कॉम की तरह, कंगे की तरह, कंगे नुमा हो जाते हैं। एग्जाम्पल सावफ्लाइज जो कि ऑर्डर सिम्फाइटा के होती हैं, या तथा हाइमिनोप्टेरा, पैरासिटोइड वास्प जो कि हाइमिनोप्टेरा की हैं, एंड सम बीटल्स। नीचे आप डायग्राम में देखेंगे हर एक सेगमेंट से लेटरल साइड में लंबे प्रोजेक्शंस निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण से इनकी आकृति कंगे नुमा हो गई है। नेक्स्ट टाइप मोनोलिफॉर्म। अनलाइक फिलिफॉर्म एंटीनी द सेगमेंट्स ऑफ मोनोलिफॉर्म एंटीनी आर मोर और लेस स्फेरिकल and equally sized, thus giving these antennae a string of bead appearance. इस तरह के एंटीनी में जो सेगमेंट्स हैं वो गोलाकार तथा इक्वली साइज समान साइज के होते हैं। इस प्रकार एंटीनी की शेप मोती की माला की तरह हो जाती है। देखें नीचे डायग्राम में गोलाकार इक्वली साइज्ड इनके सेगमेंट्स हैं और इस तरह से ये मोती की माला की तरह दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल ऑर्डर आइसोप्टेरा के इंसेक्ट्स जो कि टर्माइट्स या दीमक कहलाते हैं, तथा पॉलियोप्टेरा के कुछ बीटल्स। नेक्स्ट टाइप लेमिलेट। द टर्मिनल सेगमेंट्स इन लार्ज टू वन साइड इन फॉर्म ऑफ फ्लैट एंड नेस्टेड प्रोजेक्शन दस लुकिंग लाइक ए फोल्डिंग फैन। इस प्रकार के एंटीनी में टर्मिनल सेगमेंट्स यानी कि शीर्ष के कुछ सेगमेंट से एक तरफ फ्लैट चपटी प्रोजेक्शंस या प्रवर्ध निकले रहते हैं। इस प्रकार ये फोल्डिंग फैन की तरह दिखाई देते हैं। देखिए नीचे डायग्राम में एंटीने के शीर्ष में आपको कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो उसकी लेटरल साइड से प्रोजेक्शंस निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, लंबे फ्लैट प्रोजेक्शंस, जिसके कारण से ये फोल्डिंग फैन की तरह दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल बीटल्स जो कि
ऑर्डर कॉलियोप्टेरा के स्कैरेबिडी फैमिली के मेंबर्स। नेक्स्ट टाइप जेनिकुलेट। दीज आर बेंट ऑलमोस्ट लाइक ए नी जॉइंट। द फर्स्ट एंटीनल सेगमेंट दैट इज स्केप इज यूजुअली लोकेटेड बिफोर द जॉइंट। द रेस्ट ऑफ सेगमेंट्स टुगेदर आर नोन एज फ्यूनिकल। इस प्रकार के एंटीनी में फर्स्ट जो सेगमेंट है जिसको स्कैप कहते हैं वो उसको छोड़कर बाकी जो सेगमेंट्स हैं वो बेंट हो जाते हैं। इस प्रकार से घुटने का जोड़ होता है उसी तरह से बेंट हो जाते हैं। इसमें ये जो सेगमेंट्स हैं इन सब को फ्यूनिकल कहते हैं। देखिए नीचे डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से स्कैप को छोड़कर बाकी सारे सेगमेंट्स मुड़ गए हैं, बेंट हो गए हैं नी जॉइंट की तरह। एग्जाम्पल सम बीज एंड वास्प स्पेशली इन चेल्सिड वास्प हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के एंड वीबल्स जो कि कॉलियोप्टेरा के कुरकुलियोनिडी फैमिली के हैं। फ्लैबुलेट दीज आर क्वाइट सिमिलर टू पेक्टिनेट एंड लैमिलेट एंटीनी बट विद थिनर एंड फ्लैटेंड सेगमेंट्स दैट मेक देम टू लुक लाइक ए फोल्डिंग पेपर फैन। आल्सो दीज थिन प्रोजेक्शंस ऑक्यूपाई ऑल द एंटीना एंड नॉट ओनली द टर्मिनल सेगमेंट्स एज इन लैमिलेट एंटीनी। दिस मॉडल इज found in males of some insects, thus having a large surface for detecting pheromones. इस ये जो प्रकार है एंटीनी की जिसको फ्लैबुलेट कहते हैं ये पेक्टिनेट तरह के या पेक्टिनेट के समान होते हैं तथा लैमिलेट एंटीनी के समान भी होते हैं, लेकिन इनके पूरे सेगमेंट्स जो हैं वो उनसे साइड में प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, थिनर और फ्लैटेंड प्रोजेक्शंस होते हैं जिसके कारण पूरा सेगमेंट फोल्डिंग पेपर फैन की तरह दिखाई देता है। जैसा कि हमने लैमिलेट एंटीने में देखा था उसमें केवल अग्र सेगमेंट से प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं या टर्मिनल सेगमेंट से प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, लेकिन फ्लैबुलेट में हरेक सेगमेंट से प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं। इसके कारण से पूरा एंटीना जो है वो फोल्डिंग पेपर फैन की तरह दिखाई देता है। इस तरह के एंटीनी कुछ इंसेक्ट्स के मेल्स में पाए जाते हैं जिसके कारण से ये एंटीनी को फेरोमोन्स को डिटेक्ट करने के लिए लार्ज सरफेस प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल बीटल्स वास्प्स एंड मॉथ्स। नेक्स्ट टाइप क्लेवेट। अनलाइक द कैपिटेट वर्म्स क्लेवेट एंटीनी गेट प्रोग्रेसिवली थिकर इन देयर एंड्स। इस तरह के एंटीनी में इनके एंड्स पर या शीश पर सेगमेंट्स काफी अधिक थिक हो जाते हैं, लगातार काफी थिक होते चले जाते हैं। एग्जाम्पल मॉथ्स एंड कैरियन बीटल्स। एरिस्टेट दीज आर वेरी रिड्यूस्ड एंटीनी विद ए पाउच लाइक शेप एंड ए स्मॉल ब्रिस्टल that emerges from its third modified segment. इस तरह के जो एंटीनी है वो काफी रिड्यूस्ड एंटीनी होते हैं। इनकी शेप पाउच लाइक होती है तथा इनके थर्ड मॉडिफाइड सेगमेंट से एक
छोटा ब्रिस्टल निकला रहता है। देखिए नीचे डायग्राम में इनके थर्ड मॉडिफाइड सेगमेंट से लंबा पतला ब्रिस्टल दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल अ वेरी एक्सटेंडेड मॉडल एमंग फ्लाइज। कैपिटेट कैपिटेट एंटीनी हैव ए प्रोमिनेंट क्लब और नॉब एट देयर एंड्स। द टर्म कैपिटेट डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन कैपट मीनिंग हेड। बटरफ्लाइज ऑफन हैव कैपिटेट फॉर्म एंटीनी। कैपिटेट एंटीनी में इनके सिरों पर एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट नॉब की तरह सेगमेंट होता है। प्रोमिनेंट क्लब या नॉब प्रेजेंट होता है इनके टर्मिनल एंड पर। कैपिटेट का मतलब कैपट, ये लैटिन वर्ड कैपट से लिया गया है जिसका मतलब हेड होता है। इस तरह के एंटीनी बटरफ्लाइज में पाए जाते हैं। तो आज हमने एंटीनी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।